तू कहीं जाने लायक है ही नहीं, इसलिए आज के बाद तू इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो तुम मेरे ऊपर ये पाबंदियाँ लगा रहे हो। क्या हो रहा है सब, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? क्या बताऊं भाई, मैं तो तंग आ गया इस अनपढ़ गवार औरत से। अरे लेकिन बात क्या हुई? मैं इसको अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पर लेकर गया था, वहाँ वो इसके फेस पर केक लगाने लगा तो इसने उसके गाल पर चांटा मार दिया। जब मैंने उसको एक बार मना कर दिया फिर वो जबरदस्ती कर ही क्यों रहा था? देखा तूने, इसको अभी भी अपनी गलती का पछतावा नहीं है। हाँ नहीं है, और जो काम मैंने किया वो तुम्हें करना चाहिए था, क्योंकि केक लगाने के बहाने गंदी नियत से छू रहा था तुम्हारा वो दोस्त। अच्छा मतलब तुम्हारी बातों में आकर मैं अपने बचपन की यारी तोड़ लूं? मेरी बातों से तू भी सीख ले ले भाई, जीवन में कभी भी किसी औरत की बातों में आकर कोई काम मत करियो। इतिहास गवाह है, जितने भी युद्ध हुए हैं इन औरतों की वजह से हुए हैं। सीता की वजह से रामायण का युद्ध और द्रौपदी की वजह से महाभारत का युद्ध। वाह, मुझे गवार बोलते हो और तुम कौन सी ज्ञान भरी बातें कर रहे हो? बात नहीं, यही सच्चाई है। तो फिर एक मिनट रुको। A few moments later. ये सच्चाई है तो फिर साबित करो। ये रही रामायण, ये रही भगवत गीता, अब ये बताओ कि इनमें कहां लिखा है कि ये युद्ध औरतों ने करवाए थे? क्या हुआ, नहीं बता सकते? चलो मैं बताती हूँ। सब ये तो कहते हैं कि सीता और द्रौपदी के कारण रामायण और महाभारत की लड़ाई हुई, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि नारी का सम्मान नहीं करने का परिणाम है ये रामायण और महाभारत। नारी का सम्मान है तो ये सारा ब्रह्मांड है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।